Hey guys, we are back with a new lesson, light, and our first topic is scattering of light. But before study the scattering of light, we will discuss about the topic basics of light. Light के बारे में हम थोड़ा सा discuss करते हैं. So let's see, light क्या है? Light is an electromagnetic wave. एक electromagnetic wave है. It does not need a medium to travel in a space. Space में अब सबको पता है वहाँ पे कोई भी medium नहीं होता. तो वहाँ पे भी लाइट ट्रैवल कर सकती है. हमने साउंड के लेसन में स्टडी किया है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती, बट लाइट का वैसे नहीं है. लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल इन अ स्पेस. इसी की वजह से सनलाइट अर्थ तक आ जाती है, मतलब बीच में स्पेस है फिर भी वहाँ से सन से अर्थ तक लाइट ट्रैवल कर सकती मीडियम के बिना भी. इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में यानी कि स्पेस में इसकी स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 300,000 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं लाइट की स्पीड कितनी हाई. इट इज़ अ ट्रांसफर वेव, एक ट्रांसफर वेव है. अब ये ट्रांसफर वेव क्या है, ये हम साउंड के लेसन में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने देखा कि ये सन है तो सन से बहुत सारी रेज निकलती, बट जो सिंगल रेज आती है उसे हम कहते हैं रे, बट जो कलेक्शन ऑफ रेज आती है उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट. ठीक है, एंड लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हम सबको पता है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अ लाइट सोर्स इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. और जो लाइट सोर्स होता है, जो लाइट इमिट करता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्लोरोसेंट बल्ब है, ये एक लाइट का सोर्स है जो कि वो लाइट इमिट करेगा. वो लाइट इमिट करेगा वो पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब जो जितनी सारी डायरेक्शन पॉसिबल होगी उसके वे के लिए वो इतनी लाइट इमिट करेगी. मतलब यहाँ पे जितनी डायरेक्शन उसके पाथ के लिए पॉसिबल से उतने डायरेक्शन में वो क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी. और जो सिंगल रे होगी वो होगी रे, और जो कलेक्शन ऑफ रे होगी वो होगी बीम ऑफ लाइट. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ लाइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. अगर ये हमने पहले स्टडी किया है फिर भी हम उसे रिवाइज करेंगे. लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, आई होप ये आप सबको पता है. लुमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस अ विजिबल लाइट. जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस अ विजिबल लाइट. रिफ्लेक्ट और अलाउ लाइट टू पास थ्रू अ लाइट अलाउ टू यू सी द ऑब्जेक्ट. मीन्स नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, खुद की लाइट जनरेट नहीं करते, बट जो सन से लाइट आती है उससे वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से है जो कि अपनी खुद की लाइट जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो है कैंडल, सन, फ्लैश लाइट, नियॉन लाइट एक्सेट्रा. कैंडल जो खुद लाइट जनरेट करती है, सन, फ्लैश लाइट जो उनकी अपनी खुद की लाइट है. बट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में मून, स्ट्रेट ग्लास विंडोज, कलर्ड लिक्विड, टेक्स्ट बुक, पेन, हर एक चीज़ जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो क्या है, विदाउट एक्सेप्शन दिस ऑब्जेक्ट वो क्या है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. सन, मून, अर्थ, पेन, पेंसिल. पेन कैसे, मतलब जो उनकी खुद की लाइट तो नहीं है, बट जो सन से या किसी ऑब्जेक्ट से जो रे आने वाली है उनके ऊपर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है. सो दिस इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज व्हाट इज़ अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ दिस इज़ अवर मेन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. व्हाट इज़ अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बट बिफोर स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट
वी विल ट्राई और डिस्कस वन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट. ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू हैव एन ऑब्जेक्ट और एपरेटस. तो इसके लिए एपरेटस क्या है, ग्लास बीकर जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल हो सकता है, डायोड लेज़र, वाटर मिल्क और मिल्की पाउडर, स्पून एंड ड्रॉपर एक्सेट्रा. मतलब ये एपरेटस हमारे पास होने चाहिए. तो आपको करना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए एपरेटस तो है. अब नेक्स्ट क्या करना है, तो पहले आपको एक वाटर में या बीकर में पहले एक वाटर लेना है, मतलब वाटर को फिल करना है. फिर उसमें एक लेज़र लाइट को इंसिडेंट करना है. अगर आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, पहले तो आप लेज़र लाइट को इंसिडेंट कीजिए, सिर्फ लेज़र लाइट को इंसिडेंट करना है और फिर ऑब्जर्व करना है. बाद में उसमें क्या करना है, थोड़े मिल्क के ड्रॉप्स या मिल्क की जो पाउडर होती है उसके लिक्विड बना के या उसमें उसके कुछ ड्रॉप डालेंगे, ऐड करेंगे और इसे स्टर करेंगे. मतलब इसमें हमने ऐड किया है मिल्क और मिल्क की पाउडर के कुछ ड्रॉप और इसे स्टर किया है. फिर उसमें क्या करना है हमें, फिर लेज़र लाइट को इंसिडेंट करना है. फिर उसको आपको ऑब्जर्व करना है. तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई देता है, मैं तो कहूँगी स्टूडेंट हैं आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व करके देखिए उसमें क्या डिफरेंस होता है. जो पहले वाली लाइट को हमने इंसिडेंट किया था, मतलब लेज़र लाइट को इंसिडेंट किया था सिर्फ प्लेन वाटर में, मतलब उसमें मिल्क को हमने ऐड नहीं किया, तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लाइट बीम इज़ नॉट सीन इन प्लेन वाटर. मतलब जो बीम होती है वो प्लेन वाटर में इस तरह दिखाई नहीं देती, बट मिल्क अगर हमने उसमें ऐड किया तो क्या होगा, हमें ऐसी बीम दिखाई देती है. तो क्यों दिखाई देती है, वही है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, हम डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज मिल्की वेव्स में, मिल्क में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसकी वजह से हमें लाइट की बीम दिखाई देती है, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो इस पार्टिकल की वजह से कैसे हमें बीम, लाइट की बीम दिखाई देती है, ये हम देखते हैं. सॉल्यूशंस होता है, सॉल्यूशंस मींस जो हमने सॉल्यूशन लिया है जिसमें जो पार्टिकल्स है उसकी साइज अगर 1 नैनोमीटर से अगर कम है, अगर सॉल्यूशन, अगर हमने किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाया है और अगर उसकी साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन. अगर हमने वही किसी भी चीज़ का अगर हमने सॉल्यूशन बनाया है बट उसकी साइज, उस पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम है, तो उसे हम कहते हैं कोलाइड. और अगर पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं सस्पेंशन. तो किस में लाइट का स्कैटरिंग होता है वही हम देखेंगे, सॉल्यूशन में होता है, कोलाइड में होता है या सस्पेंशन में होता है. मतलब ये तीनों भी सॉल्यूशन ही है बट उसके साइज़ के ऊपर उसके नाम दे दिए गए, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन. सॉल्यूशन जिसकी साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है, जिसकी साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, 1000 नैनोमीटर से कम है, और सस्पेंशन जिसके पार्टिकल्स की साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है. हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर फ्लैशलाइट की अगर आपने लाइट इंसिडेंट की तो ये लाइट इस बोतल में इंसिडेंट होकर यहाँ से पास होकर यहाँ पे ट्रैवल होगी, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सॉल्यूशन में, तो आपको लाइट की, लेज़र लाइट की या फ्लैशलाइट की ऐसी बीम नहीं दिखाई दे रही जो कि इस दोनों बोतल में दिखाई दे रही है. तो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इस बोतल में स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है, बट इस दोनों बोतल में लाइट स्कैटर्ड हो रही. कैसे स्कैटर्ड हो रही है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, तो हम इस सस्पेंशन का एग्जांपल देखते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स दिखाई दे रही है, तो जो फर्स्ट पार्टिकल्स था
उसके ऊपर लाइट आकर क्या होगी, इंसिडेंट होगी, फिर वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, फिर वो लाइट को ट्रैवल करके सेकेंड पार्टिकल के ऊपर आएगा, फिर थर्ड पार्टिकल को ट्रैवल करेगा, मतलब उसे वाइब्रेशन देगा, फिर उसके पास वाले, मतलब ऐसे करते करते वो क्या करेगा, पूरे लाइट बीम को ऐसी, पूरे लाइट के ऐसी एक बीम बनाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल की साइज ज़्यादा है। बट यहाँ पे सॉल्यूशन में भी क्या होता है, सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल की साइज़ बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से यहाँ वहाँ पर लाइट स्कैटर नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कोलाइड और सस्पेंशन, ठीक है। बट 1000 नैनोमीटर की, यानी कि सस्पेंशन में लाइट की स्कैटर होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट पार्टिकल की साइज़ बड़े होने के कारण लाइट पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं, मतलब पानी के नीचे अगर जमा हो जाते तो इस तरह लाइट का स्कैटर होता है, मतलब पार्टिकल लाइट को ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो लाइट एक स्ट्रेट ऐसे बीम बना सकती है, क्योंकि आपको पता है लाइट हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रेज इमिट करती है। जैसे कि सपोज एक इंसिडेंट लाइट है रे, यहाँ पे एक पार्टिकल है पहला जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ये पार्टिकल पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद वो क्या करेगी, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो लाइट को स्कैटर्ड करेगी, ठीक है। फिर उसके आगे एक पार्टिकल होगा, फिर वो लाइट को स्कैटर करेगा, फिर उसके आगे लाइट स्कैटर होगा, तो इस तरह इसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और हमें लाइट की बीम दिखाई देगी, पार्टिकल इन द एटमोसफियर, ठीक है। तो इस तरह हमें लाइट की बीम दिखाई देती है, जो कि सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देती क्योंकि उसकी पार्टिकल की साइज़ बहुत कम होती है, तो इस तरह लाइट का स्कैटरिंग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विथ प्रॉपर डायग्राम एंड एग्जाम्पल। आपको लाइट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लाइट का लाइट किस तरह स्कैटर्ड होती है एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सी, अब हमने ये तो देख लिया कि लाइट किस तरह स्कैटर्ड होती है, उसके पार्टिकल किस कैसे लाइट को स्कैटर करते हैं, फिर उसके आगे जो पार्टिकल्स आता है फिर वो लाइट को स्कैटर करता है, तो उसकी एक बीम हमें दिखाई देती है और वो पार्टिकल के साइज के ऊपर दिखाई देता है, जिसे हमने नाम दे दिए सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो कोलाइड में पार्टिकल का लाइट का स्कैटरिंग होता है, जो कि सॉल्यूशन में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लाइट की पार्टिकल की साइज बहुत कम होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको एक क्वेश्चन का आंसर पता है, आई डोंट नो व्हाई इज़ द स्काई अपीयर ब्लू कलर, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, और सनसेट और सनराइज के टाइम स्काई का कलर ऑरेंज, रेड या येलो ऐसा क्यों होता है, जहाँ जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर और ऑरेंज येलो कलर क्यों दिखाई देता है, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। एज सनलाइट मूव्स थ्रू द एटमोसफियर लॉन्गर वेवलेंथ, मीन्स रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, पास स्ट्रेट थ्रू। हाउएवर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो कि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ है, इसकी वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है, जिसमें लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देता है। इंटरैक्ट विद गैस मॉलिक्यूल एंड स्कैटर्ड इन द एटमोसफियर, तो हमने ये देख लिया है इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, जो जिसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से वो लाइट गैस मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होते हैं, वो स्कैटर होते हैं, और उसकी वजह से स्काई का कलर ब्लू होता है। सो दिस इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम डीप में देखते हैं, मतलब आपको ये नोट है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेड कलर ऑफ द सन एट द सनसेट रिजल्ट फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ स्मॉल डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल की वजह से ही लाइट का स्कैटरिंग होता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में देखा है पार्टिकल्स की साइज, मतलब डस्ट पार्टिकल्स की साइज, H2O मॉलिक्यूल एंड अदर गैसेस इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में क्या है, डस्ट पार्टिकल, H2O मॉलिक्यूल एंड अदर मॉलिक्यूल। द एफिशिएंसी विथ विच लाइट इज स्कैटर्ड डिपेंड ऑन इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड है। अब वेवलेंथ क्या है, ये हमने साउंड के लेसन में डीपली स्टडी किया है।
denoted lambda and its unit is meter centimeter. The sky is blue because violet and blue light are scattered together, extending other wave longer wavelength. Because blue color की wavelength सबसे कम होती है और उनका dust particle के साथ सबसे ज़्यादा scattered होती है, scattering होता है, तो इसके वजह से sky appear blue color. So next question for the homework is why the sky appear blue color? Sky blue color का क्यों दिखाई देता है, ये आपको explain करना है. So this is the next question for the homework.